शारदाज वर्ल्ड, शारदा की दुनिया में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। और आज आप सबका स्वागत मैं अपने सोसाइटी के छोटू से पार्क से कर रही हूँ। सुबह का वॉक हो गया है। वॉक मोस्टली हम लोग बगल में बड़ा सा पार्क है वहाँ करते हैं, और जिम अपनी सोसाइटी में। वैसे जिम उस पार्क में भी है, लेकिन जब सोसाइटी में है तो वहाँ क्यों करना। तो बस अभी हमने जिम भी कर लिया है, और ये देखिए पसीना। और वॉक और एक्सरसाइज तो मस्ट है। इसके बाद सीधे हम लोग जाएंगे मार्केट। इस टाइम वहाँ पर फ्रेश सब्जी फल होते हैं, तो पहले जाएंगे मार्केट और उसके बाद जैसे जो करूँगी आप सबसे शेयर करती जाऊँगी। मास्क हाथ में है, इतनी गर्मी हो रही थी तो हटाना पड़ा। और फ्रेंड्स आवाज़ को इग्नोर करना, यहाँ पर वाटर टैंक से पानी ओवरफ्लो कर रहा है। एक्चुअली में हमारे सोसाइटी में चारों कॉर्नर पे बड़े बड़े वाटर टैंक्स रखे हुए हैं, जिसमें ग्राउंड वाटर स्टोर रहता है। कभी कभार जब हमारे यहाँ पानी की सप्लाई नहीं होती है तो इमरजेंसी में हम लोग ये पानी यूज करते हैं। और ये रहा हमारा छोटू सा पार्क। यहाँ मैं मोस्टली आप सबको दिखती हूँ, और ये पार्क के जस्ट सामने मंदिर है। दो तीन छोटे पार्क हैं और एक बड़ा सा सेंटर में पार्क है, जो आप सबको मैं दिखा चुकी हूँ। आलू तो चाहिए ही 2 kg मुझे। 2 kg आलू निकाल दे। 2 kg प्याज। हाँ, 2 kg प्याज। आलू प्याज बिल्कुल ख़त्म थे, और जब भी मैं आती हूँ तो आलू प्याज और टमाटर तो मैं इकट्ठे स्टोर कर लेती हूँ। साग अच्छा नहीं आ रहा है क्या? हाँ, बहुत गंदा था, सड़ा हुआ निकल गया सारा। सब्जी लूँ क्या फिर मैं? कुछ समझ नहीं आता मुझे। तो पका हुआ सीताफल देगा 1 kg? हाँ, सीताफल 1 kg दे दे। गाजर है? गाजर 2 ही पीस देना मुझे, खराब हो जाता है, किसी चीज़ में डालना है मुझे। और एक हरा पत्ता गोभी। बारिश का मौसम होने के कारण बहुत सारे सब्जी खराब हो जा रहे हैं, तो मैंने ज़्यादा नहीं लिया था। आज नाश्ते में बन रहा है पोहा, और पोहा में आज मैंने रसम मसाला का फ्लेवर दिया है। आप सबसे कल मैंने रसम मसाला की रेसिपी शेयर की थी, तो उसी मसाला का मैंने आज पोहा में फ्लेवर दिया है, और बहुत ही औसम बना था। मैंने तो नहीं खाया था, लेकिन सासुती और दिनेश जी ने खाया था, बहुत अच्छा बना था। साथ में मैंने आलमंड मिल्क भी बनाए थे, तो चलिए आलमंड मिल्क की रेसिपी आप सबसे शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पर 15 से 20 बादाम है, ओवरनाइट मैंने सोक कर लिया था, और छिलका हटा के ग्राइंडर जार में ले लिया है। थोड़ा सा मैं मेपल सिरप ऐड करूँगी, मिठास अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट लेना है। आप चाहें तो चीनी, हनी या जैगरी पाउडर भी ले सकते हैं। थोड़ा वेनिला एसेंस ऐड होगा, और बस थोड़े से पानी के साथ इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लेना है। एक बार में ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, नहीं तो बादाम अच्छी तरह से नहीं पीसेगा। और चोको आलमंड मिल्क भी बहुत अच्छा होता है, तो अगर आप सबको चॉकलेट का फ्लेवर चाहिए तो 1 चम्मच इसमें कोको पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने आज ऐड नहीं किए थे, और थोड़े से पानी के साथ पहले ग्राइंड कर लिया था, और फिर आइस क्यूब्स और पानी ऐड करके थोड़ी देर मैंने चर्न कर लिया था। और फ्राइडे को मेरा फास्ट होता है, तो मैंने आलमंड मिल्क के साथ थोड़ा सा मूँगफली लिया था, और मैंने अपने आलमंड मिल्क में मेपल सिरप नहीं ऐड किया था, थोड़ा सा शुगर फ्री ऐड किया था। पोहा बनाते टाइम थोड़ा सा मूंगफली मैंने अपने लिए पहले रोस्ट करके निकाल लिया था। आप चाहे तो थोड़े से सॉल्ट और रोस्टेड तिल के साथ भी आलमंड मिल्क बना सकते हैं। फाइनली आज भैया कपड़े लेने के लिए आ ही गए। भाई की शादी से आई थी, तभी से इनको फ़ोन कर रखा था, लेकिन भैया यहाँ पर नहीं थे तो कपड़े लेने के लिए नहीं आ पा रहे थे। कितने दिन में दीजिएगा भैया? मैडम ये थोड़ा मौसम की वजह से, वैसे तो 4 days से साड़ी थोड़ा लेट हो सकती है, एक दिन बढ़ा दो। साथ ही दे दीजिएगा एक ही साथ। तो 6 दिन में दे दूंगा, कोई बात नहीं। वैसे तो मेरे घर के आसपास बहुत सारे ड्राई क्लीनर्स हैं जहां हम दे सकते हैं, लेकिन शुरू से मैं इनसे ही ड्राई क्लीन करवाती हूं, तो बस वेट कर रही थी इनका। 24 पीस है ना? हाँ ये देखिए, हाँ 24 पीस ड्राई क्लीन। लंच में आज सिंपल सा आलू कुंदरू का भुजिया है, साथ में मूंग की दाल और मड़ुए की रोटी। और ये देखिए शायद पानी दाल में ज़्यादा हो गया, आज मेरा काम बढ़ गया। सिंपल सी मूंग की दाल बना रही हूँ। दाल में मैं टमाटर लहसुन हरी मिर्च को क्रश करके, थोड़ा सा धनिया पाउडर लाल मिर्च पाउडर ऐड करके
दो हिस्से लाने तक पका लेती हूँ, फिर लहसुन जीरे का तड़का ऐड कर देती हूँ। और कुंडलू का भुजिया भी सिंपल ही बन रहा है। बस पहले तेल में मैंने आलू को थोड़ी देर फ्राई कर लिया था, फिर कुटी हुई हरी मिर्च लहसुन ऐड कर दिया था, उसको थोड़ी देर सॉटे करने के बाद प्याज ऐड करके थोड़ी देर भून लिया, फिर कुंडरू ऐड करके नमक हल्दी लाल मिर्च पाउडर धनिया पाउडर ऐड करके उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। सिंपल सी रेसिपी है इसीलिए मैंने शेयर नहीं की। और यहाँ मड़ुए का आटा गूँथ रही हूँ मैं। मड़ुए के आटे में गर्म पानी ऐड कर देना है, और गर्मी बहुत है तो बहुत गर्म हो रखा था तो थोड़ी देर मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है, लेकिन थोड़ा गर्म रहेगा तभी इसको गूँथ लेना है। तो बस इसको गूँथ के रोटी बना लूँगी। मेरे घर में मड़ुए की रोटी यानी रागी की रोटी सबको बहुत पसंद है, तो मोस्टली मैं बनाती रहती हूँ। और ये है आज के लंच की थाली। Not a lesson learned. Who'd imagined I would crash and burn? But you got me there, so I'm declaring a silent war. Can't do it anymore. और अभी अभी मैंने फिर से शावर लिया है। आज हमने देखा था किचन कितना गंदा हो गया था। पता नहीं आज दाल में पानी ज्यादा पड़ गया या कुकर की जो कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा मैंने पानी ऐड कर लिया। पूरा किचन का काउंटर टॉप गैस स्टोव बिल्कुल गंदा हो गया था। तो इन सब चीज़ों को साफ करते करते बिल्कुल पसीने से तर बतर। आजकल तो किचन में जितनी बार भी जाओ नहाना मस्ट है। तो बस अभी शावर ली हूँ और कुछ काम रह रहे थे जैसे मशीन लगाना, पौधों में मैंने पानी नहीं दिया था, तो ये सब काम मैंने निपटाया है। प्लीज़ आवाज़ को इग्नोर करना फ्रेंड्स। मेरे सोसाइटी में आजकल इतने सारे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं जो एक बार भी दिन में आवाज़ बंद नहीं होता है। और आज बहुत थकान हो रही है फ्रेंड्स। मोस्टली मैं एक ही बार सुबह को ही दूध वाली चाय पीती हूँ, लेकिन जिस दिन फास्ट होता है तो कभी कभार दो बार ले लेती हूँ। तो आज बहुत थकान हो रही है। पहले मैं जाके अदरक इलायची तेजपत्ते वाली चाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी और सोचती हूँ डिनर भी बना के रखी ली। आज फास्ट है तो नो ऑनियन नो गार्लिक सब्जी बनेगी और सिंपल सा मैं सब्जी और रोटी आज बनाने वाली हूँ डिनर में। तो चलिए फ्रेंड्स एक सिंपल सी नो ऑनियन नो गार्लिक सब्जी है बिल्कुल बिहारी स्टाइल शेयर करती हूँ आप सबसे। सब्जी बिल्कुल ही सिंपल सी है लेकिन एक बार बना के देखना बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए फ्रेंड्स किचन में चलते हैं, पहले चाय बनाती हूँ और फिर सब्जी बनाऊंगी क्योंकि शाम को पूजा करना होता है। तो सब्जी बना के रख लूंगी और जब खाना होगा फटाफट से रोटी सेक लूंगी। थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया है। अभी मैं अदरक इलायची तेजपत्ते वाली चाय नहीं बना रही, मैं बनाने लगी हूँ इलायची और रोज पेटल्स के साथ चाय। मेरे कौन कौन से फ्रेंड ये वाली चाय बनाते हो कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने चाय पत्ती इलायची और रोज पेटल्स ले लिए थे और सभी को बॉयल करके बस चाय तैयार कर लिया है। और चाय पीते पीते ही मैं इधर झटपट से सब्जी बना लूँगी। तो कढ़ाही में मैंने तेल ऐड कर दिया था। उड़द दाल की बड़ी को फ्राई करके निकाल लेना है। मैं उड़द दाल की बड़ी बहुत यूज करती हूँ फ्रेंड्स, एक बार आप सब भी ट्राई करना, बहुत ही मज़े का होता है। अमेजन पर इजीली अवेलेबल है। बड़ी को फ्राई करके निकाल लेने के बाद मैंने लौंग इलायची छोटी इलायची हरी इलायची जो होती है और बड़ी इलायची दालचीनी का तड़का ऐड कर दिया था, दो तेज़पत्ता भी ऐड किया था। फिर कटहल आलू और काला चना को बॉयल करके मैंने यहाँ पर ले लिया था, ऐड कर देना है। नमक हल्दी के साथ 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से सब्जी को भून लिया, फिर लाल मिर्च पाउडर धनिया पाउडर जीरा पाउडर ऐड कर दिया। मसाला ऐड करने के बाद फिर से 1 से 1.5 मिनट तक भून लेना है। आप चाहे तो एक टमाटर ऐड कर सकते हो लेकिन ट्रेडिशनली इसमें टमाटर नहीं जाता तो मैंने टमाटर ऐड नहीं किया था। मसाला को भून लेने के फिर ग्रेवी ऐड कर दिया, फ्राइड उड़द दाल की बड़ी ऐड कर दिया और थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला पाउडर होममेड है, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इधर मैं चौलाई का साग चने के साथ बना रही हूँ। आज मैंने दोनों सब्जी में काला चना यूज किया है। सरसों के तेल में मेथी सूखी लाल मिर्च हींग का तड़का ऐड कर देना है, फिर साग और काला चना ऐड कर देंगे। एक कटोरा काला चना को मैंने ओवरनाइट सोक करके लिया था। नमक हल्दी ऐड करके अच्छी तरह से भून लेना है। इधर सब्जी डन है तो एक तड़का इसमें मस्ट ऐड करना। घी में 1 चम्मच जीरा थोड़ा सा हींग ऐड कर दिया। तड़का जब क्रैकल हो गया तो 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देना है और बस तड़का को हम सब्जी में ऐड कर देंगे। सब्जी बिल्कुल डन है।
तो फ्रेंड्स डिनर डन है, बस अब चपाती बनाना रह रहा है और थोड़ा सा किचन मेस है, इसको ठीक करूंगी और फिर पूजा करूंगी। ब्लॉग को भी आज मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर थोड़ा सा भी ब्लॉग अच्छा लगा हो या मेरी रेसिपीज पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना। अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीक मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।